अगर आपके हैंड में स्वेलिंग है, सूजन है, जो कि कोई भी कारण से हो सकता है, मगर एक कॉमन रीज़न है कि हमारे रिस्ट के आसपास यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर लगा, प्लास्टर कटने के बाद स्वेलिंग हो जाता है, या फिर कोई दूसरा कारण भी हो, इसके लिए एक बहुत ही असरदार और बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट थेरेपी कहते हैं, या फिर इसको अल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। तो ये टेक्निक बहुत आसान है, आप घर में कर सकते हैं। अगर आपके हैंड में सूजन है, स्वेलिंग है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो जो कंट्रास्ट बाथ या फिर अल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी होता है, इसे हम लोग अल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पानी होता है, दो वाटर रहता है, एक हॉट वाटर रहता है और एक होता है कोल्ड वाटर। तो हम लोग को अल्टरनेटली हॉट एंड कोल्ड वाटर में हाथों को डिप करना है, जिससे इसका एक कंबाइंड असर में आपकी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाता है। तो इसको करना भी बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मेरे पास ये दो वाटर कंटेनर है, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। गर्म पानी का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास होना चाहिए और ठंडा पानी का टेम्परेचर लगभग 7 से 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ठंडा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें आइस क्यूब्स यहाँ पर डाल दें, आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रीजर में से आइसक्रीम निकाल के यहाँ पे डाल दे तो ये पानी ठंडा हो जाएगा। अब क्या करना है कि आपको आपकी जिस हाथ में स्वेलिंग है उसे पहले आप गर्म पानी में डुबाएंगे। ध्यान रहे, पहले गर्म पानी से आपको शुरू करना है। गर्म पानी में 3 से 4 मिनट आप डुबा के रखें। 3 से 4 मिनट होते ही आप निकाल करके सीधा तुरंत ठंडे पानी में डाल दें। ठंडे पानी में डालने के बाद इसे 1 मिनट तक रखें और 1 मिनट के बाद तुरंत फिर निकाल करके इसे आप गर्म पानी में डाल दें। फिर गर्म पानी में 3 से 4 मिनट रखें और फिर निकालें और तुरंत ठंडे पानी में डालें। तो आपका जो वार्म टू कोल्ड का रेशियो है 4:1 होना चाहिए, यानी कि 4 मिनट अगर आप गर्म पानी में रखते हैं तो 1 मिनट आप ठंडा पानी में रखेंगे। तो इस प्रक्रिया को तब तक आप दोहराते रहें जब तक कि ये पानी का जो है नॉर्मल टेम्परेचर ना आ जाए, ठंडे पानी का ठंडक कम हो जाए, गर्म पानी का गर्मी कम हो जाए। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में आता है इस प्रक्रिया को आप बंद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता यह है कि जब हम गर्म पानी में डालते हैं, गर्म पानी हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है और फिर ठंडा पानी में जब हम डुबाते हैं तो वो ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करता है। यानी कि जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो वहाँ पे खून का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, वो ज़्यादा ब्लड को अलाउ करता है। और जब हम ठंडा पानी में डालते हैं तो वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, थोड़ा सा दबाता है और वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो एक तरह से ये एक अल्टरनेट कंस्ट्रिक्शन कम और फिर रिलैक्सेशन, कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, तो एक तरह से ये एक मसाज इफेक्ट है जिससे आपका यहाँ पे जो भी हाथों में जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ पे जो भी फ्लूइड इकट्ठा हो गया है वो वहाँ से धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगेगा और वहाँ पे आपका स्वेलिंग कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।